जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं विज्ञान पाठ्यपुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 5 का नाम है जंतुओं में जनन। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं और इनमें से हमें सही विकल्प पर सही का निशान लगा देना है। पहला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो सबसे पहले आप लोग समझिए, आंतरिक निषेचन होता क्या है। आंतरिक निषेचन जिसमें पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का संलयन मादा के शरीर में होता है, उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है, और बाद में वह पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु युग्मनज में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज का विकास होकर वह एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, या नर के शरीर के बाहर। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा का, मादा के शरीर में, कि पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। दूसरा प्रश्न है बच्चा, हाइड्रा में जनन विधि है का बहुविभाजन, खा मुकुलन, गा खंडन, घा द्विविभाजन। तो देखिए, हाइड्रा में जो जनन होता है, हाइड्रा में आलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? आलैंगिक जनन। पहले आप लोग समझिए बच्चा, आलैंगिक जनन क्या होता है। तो आलैंगिक जनन में जनक विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें एक जनक से अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है और इसमें विभाजन की क्रिया होती है। तो हाइड्रा में पहले एक उभार आता है, उसे हम लोग मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में उभार आया, उसे हम लोग मुकुल कहते हैं, और बाद में इसी या जो मुकुल है वह इससे अलग हो जाता है, यानी जनक हाइड्रा से अलग हो गया और नए हाइड्रा का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा मुकुलन। खंडन, द्विखंडन विधि से अमीबा में जनन होता है। जैसे अमीबा जिसकी आकृति अनिश्चित होती है, उसके केंद्रक विभाजन होता है और बाद में इसकी कोशिकाओं में विभाजित होने से यह 2 भागों में बढ़ जाता है, स्वतंत्र अमीबा में बन जाता है और यहाँ से जनन होता है। तो द्विखंडन पूछे तो आपको अमीबा ध्यान रखना है, मुकुलन पूछे तो आपको हाइड्रा ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न यहाँ देख रखा है, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है। का युग्मनज, खा निषेचन, गा परागण, घा कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा निषेचन। मादा युग्मनज, नर युग्मनज, मादा युग्मनज जिसे अंडाणु कहते हैं, नर युग्मनज जिसे शुक्राणु कहते हैं, और इन दोनों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, यह जनन का प्रथम क्रिया होती है। पांचवा प्रश्न है, एक टेडपोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है? का निषेचन, खा कायांतरण, गा रोपण, घा मुकुलन। तो यहाँ पे आपने विकल्प में देखा कि निषेचन कहते हैं जिसमें मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज का संयोजन होता है। रोपण तो हम लोग कृषि में पढ़े थे, रोपण कृषि, रोपण का कोई मतलब नहीं है। मुकुलन हाइड्रा में होता है, जिसमें हाइड्रा का में उभार आता है और हाइड्रा एक स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है। तो यह तो मुकुलन हो गया हाइड्रा में। यहाँ पे सही विकल्प होगा बच्चा कायांतरण। कायांतरण क्या होता है जी, कि पहले तो वह अंडा रहता है, अंडा के बाद टेडपोल होता है, टेडपोल के बाद वयस्क मेढक होता है। तो काया का अर्थ होता है शरीर, तो उसके शरीर में परिवर्तन होना कायांतरण कहलाता है। आप लोग मछली में भी देखोगे कि मछली का पहले अंडा होता है, फिर वह छोटा सा मछली बनती है और फिर उसके शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो उसके कायांतरण में परिवर्तन हो रहा है, यानी उसके काया में परिवर्तित हो रहा है। तो कायांतरण से आप लोग ध्यान रखोगे मेढक। ठीक है, यह मनुष्यों में नहीं होता है। जैसे मनुष्य की बात करें हम, गाय की बात करें, बकरी की बात करें, तो इसमें कायांतरण नहीं होता है। कायांतरण का अर्थ होता है बच्चा कि उसके शरीर में परिवर्तन होना। जबकि मनुष्य का सिर्फ आकार बढ़ता है, पहले वह शिशु रहता है, फिर उसके आकार में वृद्धि होती है, उसमें उसके काया में किसी प्रकार के परिवर्तन
नहीं होती है। छठा है, द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? का हाइड्रा में, खा पैरामीशियम में, गा अमीबा में, घा बैक्टीरिया में। तो द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होती है। जैसे यह एक स्वतंत्र या एक अमीबा है, सबसे पहले इसके केंद्रक में विभाजित होता है। केंद्रक में विभाजित होने से यह अमीबा स्वतंत्र अमीबा में बढ़ जाता है और प्रत्येक अमीबा में अलग अलग केंद्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आलैंगिक जनन अमीबा में होती है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा बच्चा? अमीबा। बताइए हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में जल्दी से बताइए, हाइड्रा में वेरी गुड, मुकुलन होता है। ठीक है, करते हैं उसके बाद प्रश्न संख्या दो। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होते हैं। दूसरा है मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अब यहां से समझिए, हमने समझा आंतरिक निषेचन जिसमें पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का संलयन मादा के शरीर के भीतर होता है। तो या तो हो गया आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतु के शरीर के बाहर जल में होता है। ठीक है, जैसे मेढक में होता है, तो उसमें क्या होता है कि मेढक बाह्य निषेचन करता है, मादा जल में अंडे देती है और नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरकर अंड कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं, जिससे निषेचन होता है और यही बाह्य निषेचन है। मछली में, स्टारफिश, मेढक में, इस इत्यादि में बाह्य निषेचन होता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा है अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो यहाँ पे मुकुलन द्वारा जनन नहीं करता है, मुकुलन का आप लोग ध्यान रखोगे, मुकुलन का अर्थ होता है कि जीव के शरीर में उभार आना, जबकि अमीबा के शरीर में किसी प्रकार का उभार नहीं आता है, अमीबा विभाजित हो जाता है ना, द्विखंडन विधि द्वारा होता है कि उसका खंडन हो रहा है। खंडन मतलब वह बट रहा है दो भागों में, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अमीबा जब भी आपको पूछे तो आप लोग ध्यान रखोगे बच्चा द्विखंडन, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमने देखा कि जब पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलता है तो यहाँ पे युग्मनज बनता है और युग्मनज ही विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो चौथा कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। पांचवा कथन दे रखा है, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। तो यह एकल कोशिकाओं का बना नहीं होता है, पांचवा कथन गलत है। तो आशा करता हूं कि आपने इन चीजों को नोट किया होगा। ये जो कथन है अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये कथन गलत है, आप लोग यहां से कर लोगे। मैं फिर से यहां से करवा देता हूं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहां पे मेढक में बाह्य निषेचन होता है सही है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है गलत है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है सही है, भ्रूण एकल कोशिकाओं का बना होता है ये गलत है। तीसरा कथन यहाँ पे है, तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जंतु के नर युग्मक कहलाते हैं। तो जंतु के नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। यहाँ पे रिक्त स्थानों में भरेंगे शुक्राणु, और यदि मादा की बात करें तो उसे अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से बनते हैं, क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। यहाँ पे युग्मनज बनेंगे, युग्मनज विकसित होकर रिक्त स्थान का निर्माण करता है। तो युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण भरेंगे। चौथा प्रश्न है, टेडपोल का मेढक में रूपांतरण कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कि मेढक और मछली इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों की काया परिवर्तित होती है। तो काया परिवर्तित को क्या बोलेंगे? कायांतरण कहेंगे। काया यानी शरीर, काया से आपको याद रखना है शरीर, और शरीर में शरीर का परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। पांचवा है, मनुष्यों में निषेचन होता है। तो मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है, हमने देखा था कि, और आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के अंदर, ठीक है, मादा के शरीर में होता है।
तो आशा करता हूँ कि आपने ये चीज़ नोट किया होगा। बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो इस टारगेट को भी ज़रूर पूरा कीजिएगा। करते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है, मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद चित्र बना लेना है। तो पहले लिखेंगे कि जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है, जिसमें स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अंडाणु तथा शुक्राणुओं के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग बना सकते हो, स्त्री, और यहाँ पे लिख लो इसे पुरुष। ठीक है, अब स्त्री का यहाँ पे अंडाणु और यहाँ पे पुरुष का क्या हो गया, शुक्राणु। इन दोनों का जब संयोजन होता है तो यहाँ पे युग्मनज बनता है। क्या बनता है बच्चा, यहाँ पे युग्मनज बनता है, यह युग्मनज है, और यह युग्मनज ही आगे जाकर एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, यह नाम है इसका अंडाणु और इसका नाम है शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु मिलकर यहाँ युग्मनज बना, युग्मनज फिर परिवर्तित होकर भ्रूण बन जाता है। ऐसे आप लोग बना लोगे। पांचवा प्रश्न करते हैं, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इसका उत्तर आपको रटना नहीं है। देखिए बच्चों, मैं आपको जितना भी उत्तर लिखवा रहा हूँ, आपको उत्तर को रटना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको कई बातें समझाते भी चलूँगा, तो आप लोग समझना भी है और नोट भी करना है। तो लिखेंगे, जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। यह उस जीव के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है जनन करना। ठीक है, कोई भी जीव हो, यदि उसके बच्चे लगातार उसके अगर उसके जीव के अगर लगातार आते रहेंगे तो उस जीव के अस्तित्व बना रहेगा। ठीक है, इसीलिए जनन आवश्यक है। छठा प्रश्न है यहाँ पे, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। तो लिखेंगे, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गे। इसका इसमें जो निषेचन है वो मादा के शरीर के भीतर होता है। और बाह्य निषेचन में लिखोगे, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और इसका एग्जांपल में लिखोगे, मेढक, मछली, स्टारफिश, इनमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 7वां करते हैं, ये चीज़ आप लोग रटना नहीं बच्चे, देखिए चिंता से समझिए कि जिसमें निषेचन मादा के शरीर के भीतर हो, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर हो, आंतरिक होगा, और जो मादा और मादा के अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतु के शरीर के बाहर जल में हो, तो वह होगा बाह्य निषेचन। 7वां प्रश्न है, आलैंगिक जनन क्या है। तो इसमें आप लोग लिखोगे, आलैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है, जैसे हाइड्रा में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन आलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। ठीक है, आलैंगिक जनन जिसमें एकल जीव नया जीव में एकल जीव में खंडित होकर या उसमें उभार आकर नया जीव बनता है, जैसे आप लोग हाइड्रा में देखो तो उसमें पहले उभार आएगा, फिर उसमें स्वतंत्र सिरे बनेंगे, फिर वह नए हाइड्रा में विकसित हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे अमीबा, अमीबा में केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका विभाजन, फिर वह अमीबा दो खंडों में विभाजित होगा और प्रत्येक अमीबा स्वतंत्र अमीबा बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न है, जंतुओं में आलैंगिक जनन और की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे, जंतुओं में आलैंगिक जनन की दो विधियां हैं। पहला है मुकुलन, तो मुकुलन में लिखोगे,
हाइड्रा में मुकुलन विधि से जनन होता है। प्रत्येक हाइड्रा में एक उभार होता है, यह उभार मुकुल कहलाते हैं। धीरे धीरे इस मुकुल का आकार बढ़ने लगता है। जल्दी ही मुकुल के मुक्त सिरे पर कुछ प्रवर्धन जैसी रचनाएं निकल आती हैं। अंत में मुकुल एक नए हाइड्रा के रूप में जनक हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। ठीक है बच्चे, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे यह एक हाइड्रा है और हाइड्रा के शरीर में पहले उभार यहाँ पे उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने के साथ पहले इस उभार का आकार बनने लगता है और इस उभार में ही मुक्त संवर्धन जैसी रचनाएं निकलने लगती है और यह जो उभार है इस जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और अलग होकर स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है। इससे ही हम लोग बोलते हैं मुकुलन। यहाँ पे दूसरा है द्विखंडन। तो द्विखंडन अमीबा में होता है। अमीबा में विखंडन, यहाँ पे आप लोग लिखोगे द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्र के दो भाग हो जाते हैं। इसके बाद कोशिका भी दो भाग में बट जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। पहले यह अमीबा है। अमीबा आपने पढ़ा होगा, जिसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, एक कोश के जीव होता है। ठीक है, और इसका भोजन में अंतःपाचन सभी एक ही कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो पहले क्या होगा, इसका केंद्रक का विभाजन होगा, फिर यह जो अमीबा है दो स्वतंत्र अमीबा में विभाजित होगी। ठीक है, तो द्विखंडन यानी दो खंडों में विभाजित हो जाना अमीबा का आलैंगिक जनन होता है। नौवां प्रश्न है, माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। यह युग्मनज वृद्धि कर भ्रूण में बदल जाता है। वास्तव में युग्मनज लगातार विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनाती है। ये कोशिकाएं समूहीकृत होकर विभिन्न उत्तकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण निरंतर विकसित होता है। धीरे धीरे इसमें विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ, पैर, सिर इत्यादि का विकास होता है। ठीक है बच्चे, ये आपको नोट करना है। बच्चों, आपसे अगर किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कि इसमें डाउट है, मुझे कुछ कहना है, इसमें और होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट को जवाब दे सकूँ। दसवां प्रश्न है, यहाँ पे दो जंतु जिनमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन, साथ ही पहला अंडा देता है, दूसरा सीधे ही शिशु को जन्म देता है, अब उत्तर दीजिए। पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो जंतु अंडा दे रहा है उसे बोलते हैं अंडप्रजक, और जो जंतु शिशु देता है उसे बोलते हैं जरायुज। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि जो जंतु, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दे रखा है, पहले जंतु के दो उदाहरण दीजिए। पहले जंतु के दो उदाहरण में पहले लिखोगे मछली और एक लिख सकते हो मेढक। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि जो अंडे देता हो और जिसमें बाह्य निषेचन होता। कहीं आप लोग पंछी ना समझ लो कि कहीं पंछी देती अंडे तो पंछी यहाँ लिख दे, नहीं बच्चे, आपको पंछी नहीं लिखना है। पंछी अंडे देती है, यह बात आपकी बिल्कुल सत्य है, लेकिन पंछियों में बाह्य निषेचन नहीं होता है। पंछी में जो माता पक्षी होते हैं वे अपने अंडाणु को जल में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, यह जो अंडा अपने मादा मेढक अंडाणु को जल में छोड़ती है वो मेढक में होता है, तो आपको मेढक लिखना है और मछली लिखना है। और इसमें दूसरे जंतु किस प्रकार के हैं? तो यहाँ पे आपको जरायुज लिखना है, जरायुज। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। आपने इस 100 लाइक के टारगेट को जरूर हिट करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। और आपको भारतवर्ष क्लासेस पर सभी विषयों के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपके भाई बहन, अपने भाई बहन को भी बताना है जो क्लास 7 में है, क्लास 6 में है, उन लोगों को भी बताना है कि भारतवर्ष क्लासेस में आपको सभी विषयों के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। धन्यवाद बच्चा।